मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम सोनपुर के काली घाट से अभी हम लोग आए हुए हैं। और जैसे कि आप वो कल के वीडियो में आपको बताया थे कि ये काली घाट का जो मेन जो मंदिर है वहाँ का वीडियो है जो अपडेट करेंगे। और आज हम सुबह में यहाँ पे आए हैं और यहाँ का जो स्थल है उसको मुक्ति स्थल भी कहते हैं। यहाँ का जो नज़ारा है अभी सावन का जो माहौल चल आने वाला है, तो यहाँ का भी नज़ारा है जो कुछ और ही है। और जब सावन आ जाएंगे तो यहाँ पे और ही कुछ देखने को मिलेगा। फोटो तो बढ़िया विष्णु भगवान के महाकाल के और ये मंदिर का प्रांगण का जो साफ सफाई रख रखाव है जो बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल भी है, शांति माहौल भी है और इतना श्रद्धालु है जब भी नहीं आ पा रहे हैं। और अभी सावन का माहौल जब आएंगे तो और श्रद्धालु है जो भीड़ है जो जुम्मे की, तो उस टाइम का अलग ही माहौल होगा। और ऊपर से जो इधर का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कितना है, मतलब जो आपको बता नहीं सकते। और उधर से है, उधर जो आपको दिख रहा है वो है आपको श्री घाट। और उधर है जो उस साइड है जो कुन्हारा घाट उसको बोलते हैं। और पानी का लेवल है जो बढ़ गया है तो और अभी अच्छा लग रहा है। जब पानी का लेवल घट जाता है तो पानी बालू ही बालू दिखा देता है और नहीं आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा दूँ पार्किंग एरिया, जो यहाँ पे दो पार्किंग एरिया है, एक ऊपर में भी है और एक नीचे है। आपको ये है जो ऊपर का पार्किंग एरिया है जो अभी बंद पड़ा है, और जब भीड़ जब जुटते हैं तो यहाँ पार्किंग का है जो खोल दिया जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे बाबा हरिनाथ मंदिर, वहाँ का आपको अपडेट है जो वीडियो वहाँ का अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप है जो वीडियो पे बने रहिएगा, ये वीडियो और है जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो ओके चलते हैं। तो अभी हम लोग हरिनाथ मंदिर है वहाँ पे आ गए हैं। और ये है आपको जो मंदिर का जो प्रसाद जो चढ़ते हैं वो सब है जो साइड में है जो बिक रहे हैं। और फूल माला भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहीं से आपको हर फूल माला आपको हर तरह के प्रसाद आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मंदिर है जो कोविड की वजह से है जब ही बंद है, इसलिए आपको मतलब अंदर का जो है आपको नहीं दिखा पाएंगे। और श्रद्धालु लोग आते हैं तो गेट पे ही आपको श्रद्धालु लोग आते हैं तो गेट पे ही पूजा करके हैं जो यहाँ से अपना आस्था पूरा करते हैं। अभी उससे
एरिया में आ गए हैं। यहाँ से सोनपुर में यहाँ पे आपको कंबल जितना जो ठंड का जो कपड़ा होता है, जैसे कंबल हो गया, वो जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, चादर हो गया, वो जो आपको इसी आपको रोड में आपको मिलेगा। और ये खूबसूरत जो आप नाम सुन चुके होंगे व्हाइट हाउस, आपको सोनपुर मेला का व्हाइट हाउस यही है जो अपन व्हाइट हाउस नाम तो आप सुने ही होंगे और आप देख भी लिए व्हाइट हाउस। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप सोनपुर मेला का जो मीना बाजार, जो कंबल बाजार है, उसमें आइएगा, आपको दिख जाएगा व्हाइट हाउस। और बारिश की वजह से जो पानी है रोड में जमा हुआ है, और इधर है जो आपको प्रदर्शनी और कुछ थिएटर है जो आपको यहाँ पे इधर ही लगता है। इधर है जो कृषि का, और इधर है जो कृषि का सरकारी विभाग जो रिलेटेड जो प्रदर्शनी होता है। इधर आपको झूला, जितना जो झूला होता है वो झूला आपको इस एरिया में आपको लगेगा। पिछले साल जो मेला नहीं लगा था हो चुका है। और इधर हम लोग चलते हैं पक्षी बाजार, जिसको चिड़िया बाजार बोलते हैं। तो यहाँ से है थोड़ा दूरी पे है चिड़िया बाजार, और इस तरह है, इस तरफ आपको सिर्फ प्रदर्शनी, आपको जितना जो लकड़ी का सामान जो है वो आपको मिलता है। और यहाँ पे सब दिन लकड़ी का जो सामान है सब दिन मिलता है, अभी भी है जो यहाँ पे कुछ दिन लगे हैं और उनका मार्केट चल रहा है। तो आपको आपको जब भी आपको लेना हो तो आप कभी भी आज कल ले सकते हैं। मुझे झूला वगैरह भी इधर भी लगता है, और झूला है, और कुछ झूला इधर भी लगता है, और कुछ झूला आपको इस साइड है जो लगता है जो जी, और उसी साइड आपको पार्किंग में भी है। और अब यहाँ पे है आगे हम लोग चिड़िया बाजार, यही है जो चिड़िया बाजार है जो आपको अभी घर के जैसा लग रहा है। और चिड़िया बाजार है जो मेन चिड़िया बाजार है जो इसमें लगता है, जो अब है अब शायद है जो नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो कुछ एरिया छोटा हो गया है। और इस साल भी है जो सोनपुर मेला नहीं लगने की भी संभावना है। और चिड़िया बाजार का बात करें तो शायद पहले भी मेला, जब एक दो साल पहले बैग जो मेला लगा था 19 और 18 में, उस टाइम से ही बंद पड़ा है, कुछ वजह से है जो बंद। अभी हम लोग हैं जो आ गए हैं पशु बाज़ार, और सोनपुर मेला जो है पशु बाज़ार से ही फेमस है, और ये वर्ल्ड में नंबर 1 मेला लगता है, और सब वो भी पशुओं का। इधर ये गाय बाज़ार हो गया, और गाय भी हो गया, भैंस हो गया, और पशु में सारे पशु हैं, लेकिन खासकर ये गाय बाजार है। और इस सोनपुर का मेला, और इस सोनपुर मेला का बात करें तो यहाँ पे है जो पहले जो स्पेस था बहुत बड़ा था, अब है जो स्पेस कम हो गया है, बहुत सारे घर बन गए हैं, तो पहले के जैसा अब है जो नहीं दिख सकता, और उस टाइप का माहौल भी नहीं दिख सकता, क्योंकि पहले जो स्पेस था तो ज़्यादा भीड़ लगते थे, ज़्यादा जानवर भी उधर आपको लगते थे, और अब जानवर भी कम है, और स्पेस मेन स्पेस पे आपको डिपेंड करता है, तो इस तरह का माहौल नहीं हो पाएगा जो पहले होता था। और ये है रेल मंडल, जो सोनपुर मंडल के नाम से जानते हैं, यहाँ
और यहाँ पे आपको जो सरकारी जो रेल होता है उसको आपको प्रदर्शनी में यहाँ पे लगाया जाता है, और किस तरह जो रेल चलता है, किस तरह से चलाया जाता है वो आपको सारा दिखाएंगे, देखने को मिलेगा। और ये सब जो एरिया है आपको शोरूम जैसे मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर हो गया, कृषि विभाग से जितना जो रिलेटेड सामान होते हैं वो आपको दिखाने में प्रदर्शनी में जो आपको मिलेगा, फौज का प्रदर्शनी, फौज का जो भी, और फौज का जो भी प्रदर्शनी आपको इधर ही मिलते हैं, इधर ही मिलेंगे। जो भी उनका ड्रेस होता है, ग्रेनेड होता है, जैसे ड्रेस हो गया, ग्रेनेड हो गया, और सब जो वगैरह जो उनका सामान होते हैं वो आपको इधर मिलेंगे। और यह थिएटर एरिया जो अब है पहले से बेटर और बहुत अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, तो अब फिक्स शायद जिस तरह से इसको मॉडिफाई किया जा रहा है तो और अच्छे लगेंगे देखने में, और देखिए कब तक फाइनल होता है। और अभी हम लोग आ गए हैं सोनपुर की तरफ, सोनपुर आइएगा तो आपको चौक मिलेगा जिसको हम लोग जानते हैं गज ग्रह चौक के नाम से जानते हैं, यहीं से आपको सोनपुर मिला है जो स्टार्ट होंगे स्टार्ट। और अब हम लोग चल रही है हाजीपुर की तरफ, वहाँ से हमको घर निकलेंगे। और आपको सोनपुर मेला का कैसा लगा, और काली सोनपुर मेला, सोनपुर का जो काली घाट है वहाँ का वीडियो, और सोनपुर मेला जहाँ अभी लगता है वहाँ का वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह आपको हर नए जगह का वीडियो है जो अपडेट करता रहूँगा।